अनिल देशमुख और सचिन वाजी की रिमांड को लेकर आज कोर्ट में क्या दलील दी गई और कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, रिपोर्ट आप देखिए। ईडी ने अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आज दूसरी रिमांड के लिए ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था, लेकिन ईडी के दोबारा रिमांड मांगने की जो याचिका को कोर्ट ने ठुकरा दिया और अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन के इस मामले में सचिन वाजे को भी आज कोर्ट में पेश किया गया था। दूसरी रिमांड थी आज सचिन वाजे की। कोर्ट से रिमांड क्राइम ब्रांच द्वारा मांगी गई और 7 दिनों की पुलिस रिमांड जो है कोर्ट ने ग्रांट कर दी। आपको याद दिला दें कि एंटीलिया बॉम्ब थ्रेट में सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद तत्कालीन जो गृहमंत्री रहे अनिल देशमुख को परमवीर सिंह द्वारा जो लेटर लिखा गया उसकी शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ सीबीआई जांच बैठाई गई और परमवीर सिंह के इन्हीं आरोपों की वजह से अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर को आधार बनाया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है अनिल देशमुख पर दर्ज किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।